आइए हजरत सामिन, चार मिसरे मुझे याद आ रहे हैं। नदीम भाई और फयाज भाई, रहनुमा दहलवी साहब कहाँ हैं? मेरे उस्ताद साहब पीछे बैठे हैं, खतीब साहब आप भी देखें कि एक दिलकश पहेली पसंद आ गई। नौजवानों, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे नौजवान हैं जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले नौजवान हैं, और नौजवानों का एक फॉर्मूला बड़ा अजीब होता है कि आई सावन की घटा, एक गई दूसरा पटा। जी अब देखे चार मिसरा, देखे कहा कि एक दिलकश पहेली पसंद आ गई, एक दिलकश पहेली पसंद आ गई, अरे खूबसूरत हवेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई, अब उसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं, अब उसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं, जब से उसकी सहेली पसंद आ गई। यह है सामयिक, ये है अच्छे सामयिक, एक दिलकश पहेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई, उसके बारे में अब सोचता ही नहीं, जब से उसकी सहेली पसंद आ गई। बहुत शुक्रिया आप अच्छे सामयिन का, बहुत बहुत शुक्रिया। मन तो करता है कि कलेजा नहीं कलेजी निकाल के आपके हाथों में रख दूं। जी ऐसा ही मन कर रहा है। आइए हजरत सामयिन, अब उस शायर तक पहुंचने की कोशिश दोबारा मैं हवाले से मानता हूँ, समाप्त फरमाए जी, के साथ देना है तो जिंदगी भर का दो घड़ी का सहारा, सहारा नहीं दो घड़ी का सहारा, सहारा नहीं, यूं बहाने बनाने से क्या फायदा, सब कह दो के मिलना गवारा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं आप लोग, क्या कहने जी, आप लोगों ने मेरे मूड को बना दिया। इंशाल्लाह मैं सुनाता हूँ आप लोगों को, और आप सुनने के लिए भी राजी हैं और मैं सुनाने के लिए राजी हूँ। समाप्त फरमाइए। जब कभी आप ये माला नीचे हो बिस्तर के और आप ऊपर हो, तो समझ लीजिए कि जिंदगी की शुरुआत हो रही है जी। लेकिन जब यही माला आप नीचे हो और माला ऊपर है, तो समझ लीजिए कि जिंदगी का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। लेकिन यहाँ मसला कुछ इस तरह था कि ना माला नीचे ना ऊपर, ये बीच गर्दन पे था, तो ना शुरुआत है और ना ही अंतिम संस्कार है जी, ये जवानी पे है जी। पढ़े भाई पढ़े, और ये हमारे बड़े भाई यहाँ पे बैठे हुए जनाब खतीब हैदर साहब जी, उस्ताद शोरा रहनुमा तहलवी साहब की दुआ चाहते हुए मैं हाजिर करता हूँ। इधर फयाज साहब भी है, फयाज साहब दिल तोड़ने वाले सुन, दिल तोड़ने वाले सुन, क्या मैंने खता की है, दिल तोड़ने वाले सुन, क्या मैंने खता की है, जब जुल्म किया तूने तब मैंने दुआ दी है, दिल तोड़ने वाले सुन, क्या शुक्र जर्फ है, जब जुल्म किया तूने तब मैंने दुआ दी है। और अभी यहाँ पे पढ़ रहे थे जिन्होंने, जिनकी दावत में मेरी हाजिरी हुई, साजिद नदवी साहब जी, उन्होंने एक कलाम पढ़ा, बड़ा ही दर्द भरा कलाम था। उन्हीं की दुआ चाहते हुए, उन्हीं के मुजाहिद, देखो दिल असल में तोड़ा नहीं जाता, उसके पीछे कुछ मजबूरियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं, और मजबूरियां क्या होती है, मजबूरियां क्या होती है कि बात अच्छी हो फिर भी खराब लेती है बात। शाकिर भाई देखिए, बात अच्छी हो फिर भी खराब लेती है, अगला सैंडल दे रहा है ये जुराब लेती है, हाँ अगला सैंडल दे रहा है और ये जुराब लेती है, और जो जो पेमेंट कर रहा है उसे तो बांध रही है राखी, जो पेमेंट कर रहा है उसे तो बांध रही है राखी, जो मुक्त में बैठा है उससे गुलाम लेती है। मैं समझ रहा हूँ इशारा इनकी तरफ हो रहा है जी। अब मैं अपने बड़े भाई फयाज राही साहब की तरफ से ही मैं पढ़ रहा हूँ, समाज पर मैं पड़े, पड़े, पड़े। मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया, मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया। देखो मुझे, तुमने अच्छा किया वरना वो कबाब बन जाता है।
कि मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया, मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया, उसकी गली में आना जाना छोड़ दिया, उसकी गली में आना जाना छोड़ दिया, मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया, और जख्म तेरी यादों के हरे हो जाते हैं, कि जख्म तेरी यादों के हरे जमानत पढ़ो पढ़ो। जख्म तेरी यादों के हरे हो जाते हैं, जख्म तेरी यादों के हरे हो जाते हैं, जख्म तेरी यादों के घरे हो जाते हैं, इसलिए मेले में जाना छोड़ दिया, इसलिए मेले में जाना छोड़ दिया, मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको भी दीदार की फुर्सत नहीं रही, क्या कहने, मैं तमाम आशिकों के दिल तक पहुंचता हूं और उनके जेब को खाली करवा के यहां तक लाता हूं। क्या आप जानते होंगे मुजाहिद हसनैन हबीबी, मुजाहिद हसनैन हबीबी जो के निजामत की दुनिया के एक बेताज बादशाह हैं, वो कहते हैं कि अगर अच्छा लगे तो दिल रख दो, जिगर रख दो, दोनों जिगर तो दिल रख देना, जिगर रख देना, अपना जेब खाली करके इधर रख देना, रखने वाला नहीं जी। हमको भी दीदार की फुर्सत नहीं रही, हमको भी दीदार देखो, अब शेर का असर हुआ है कि तुमने जेब झाड़ने की कोशिश करी, इनाम मसूद को आ गया, ये भी कहा है, यहाँ से पता चला कि मसूद का भी चाहने वाला लोग है यहाँ पे जी। एक बार तो जोरदार ताली जी, क्या कहने, वाह वाह, शुक्रिया भाई शुक्रिया। अरे भाई पढ़ो 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 पढ़ो। हमको भी दीदार की फुर्सत नहीं रही, हमको भी दीदार की फुर्सत नहीं रही, उसने भी खिड़की में आना छोड़ दिया, उसने भी खिड़की में आना छोड़ दिया, मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया। इस कलाम का आखिरी बंसवाद फरमाए, गैर के महफिल में जब उसको देखा तो मुजाहिद भाई एक शेर याद आ गया, इरशाद, तेरा वादा ना पूरा हुआ, अंजुर अहमद का है कि तेरा वादा ना पूरा हुआ, शाम से फिर सहर हो गया, घर के खिड़की पे बैठे हुए आज भी रात भर हो गया। वाह वाह। नहीं, मसला ये था कि इनका क्या था तुम्हारा अंतिम मिसरा, खिड़की पे आना छोड़ दिया, मेरे साथ कुछ इस तरह से हुआ कि मेरे खत को पढ़ पढ़ कर वो कितना रो रही होगी, मेरे खत को पढ़ पढ़ कर वो कितना रो रही होगी, नींद में भी वो मेरा नाम ले रही होगी, नींद में भी वो मेरा नाम ले रही होगी, और अपने घर के चौखट पे वो कितना रो रही होगी, घर के खिड़कियों से राह मेरा तक रही होगी जी। तो कुछ इस तरह से था, पढ़ो माशाल्लाह, मेरे वजन से ज्यादा इस वक्त माले के वजन है। इस कलाम का आखिरी बात फरमाए कि गैर की महफिल में जब उसको देखा तो, गैर की महफिल में जब उसको देखा तो, गैर की महफिल में जब उसको देखा तो, तन्हाई का सोग मनाना छोड़ दिया, तन्हाई
भाई का सोग मनाना छोड़ दिया, मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया। एक आखिरी कलाम, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। मैं तमाम शोरा हजरत की दुआ चाहते हुए, आप लोगों की भी दुआ चाहते हुए मैं हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। अब शायद बुजुर्ग, तमाम यहाँ पे जो बुजुर्गाने दिन बैठे हैं,